नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तुस्मा के शासकीय हाई स्कूल में उत्साहपूर्वक ढंग से आनंद मेला बच्चों द्वारा मनाया गया। तुस्मा में संचालित सभी शासकीय स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं स्कूल में अध्ययनरत बच्चों द्वारा सोमवार के इस खास दिन आनंद मेला को लेकर सुबह से ही तैयारियां देखने को मिली। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार आनंद मेला महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीओ नवगढ़ विजय लहरे रहे। विशिष्ट अतिथि कोमल प्रसाद पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत तुस्मा, उप सरपंच ग्राम सिंह बजारे एवं जनपद सदस्य सरिता साहू एवं सभी शिक्षक गण आनंद मेला की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे। तत्पश्चात सरिता साहू द्वारा फीता काटकर एवं माँ सरस्वती की तैलचित्र पर शिक्षक सोनी और सभी शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित नारियल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य श्याम सुंदर साहू ने बताया है कि इस आनंद मेला में तुस्मा में संचालित सभी शासकीय स्कूल के शिक्षकों की सर्वसहमति एवं बच्चों की उत्साह को देखकर आनंद मेला का आयोजन किया गया है। इस आनंद मेला को खुशहाल बनाने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे 7 स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर अपनी पकवान की बिक्री करते नजर आए एवं आनंद मेला में बच्चों द्वारा समोसा, मोमोज, रसगुल्ला, गुपचुप, पुड़ी, आइसक्रीम, झालमुड़ी आदि बनाकर मेले में बिक्री किया और मेले को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश नजर आए। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। मैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़, आप जो खड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारे बच्चों के कार्यक्रम जन जन तक पहुंचेंगे। आज हमारे संकुल केंद्र तुस्मा में जहां पर लगभग 7 स्कूल हैं, उन सभी 7 स्कूलों के बच्चों ने और शिक्षकों ने मिल करके आनंद मेला के कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बाल मेला है, उत्सव का कार्यक्रम है। इसमें विद्यार्थियों ने स्वयं के प्रयास से, व्यय से विभिन्न व्यंजनों को बना करके विभिन्न स्टॉल लगाए हुए हैं और स्टॉल के माध्यम से विभिन्न बच्चों को, गांव के लोगों को अपने व्यंजन बेच करके आज जो बेचने का गुण है उन्होंने सीखा है। इसके माध्यम से बच्चों में खूब उत्साह पैदा हुआ है और बच्चे बहुत आनंदित हैं और ये आनंद मेला और बाल मेला के माध्यम से खास करके बच्चों में व्यवसायीकरण के गुण जो है विकसित हो रहे हैं। सरकार भी चाह रही है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए, तो व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए सभी हमारे हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में तो पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं, किंतु जो नीचे के बच्चे हैं प्राइमरी और मिडिल के, उसमें पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इनके माध्यम से, आनंद मेला के माध्यम से उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। बच्चों में बेचने खरीदने के, बैंकिंग के गुण को सीखने के और स्वयं मालिक बनने के गुणों का इसमें विकास हो रहा है। इसके माध्यम से बच्चों ने स्टॉल के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों को क्रय करके साथ में खाया, उनमें सामाजिक गुण का विकास हुआ है, सहभोज का गुण का विकास हुआ है, आपस में एकता का विकास हुआ है। बच्चों ने खूब आनंद लिया है और इसके पीछे हमारे सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षकों ने प्रेरित किया, शिक्षकों ने मेहनत किया और अपने पैसा लगा करके बहुत बड़ा जो ये प्रोग्राम है जिसमें टेंट्स वगैरह है, माइक वगैरह है, उसके व्यय को अपने पैसे से व्यय किए हैं। इसमें कोई शासकीय व्यय का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए आप सब के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को और यहाँ के सभी शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज दिनांक 22 तारीख को हमारे सभी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का बाल मेला का आयोजन किए हैं। उसमें सभी शिक्षक लोग का विशेष सहयोग है, बच्चों का सहयोग है। बच्चे लोग अपने घर से सामग्री, गुपचुप, समोसा सब बना के लाए थे और अपने अपने तरीके से, एक स्कूल से 3 स्टॉल का रखा गया था। अब इसमें हम लोग जो बच्चे जो ज़्यादा कूपन बेचेगा वो ट्रॉफी मिलेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इस तरीका से प्रतिवर्ष की भांति हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे।
मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रमिला कुमारी साहू है और सब शासकीय स्कूल मिल के यहाँ बाल आनंद मेला का आयोजन रखा गया, जिसमें सब बहनें भाई सब अच्छा से कुछ कुछ व्यंजन बना के लाए और सबको अच्छा लगा। और हर वर्ष मैं चाहती हूँ हर वर्ष ऐसी कुछ कुछ आयोजन होते रहे।